नमस्कार फ्रेंड्स वेलकम टू एस जी के जी स्टडीज़ यूट्यूब चैनल क्लासेस एंड ऑन दिस चैनल नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस एम सी क्यू ऑफ द पेमेंट ऑफ़ ग्रेचुईटी एक्ट नाइनटीन सेवेंटी टू जिन्होंने पहले के क्लासेस देखे होंगे हमने पूरे क्लासेस करा रखे हैं पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट नाइनटीन सेवेंटी टू पर तो जो पहले के क्लासेस देखे होंगे उनको ये एम सी क्यू सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा मैं अभी के अभी कुछ ट्रिक बता देता हूँ ये पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972 है उसके बाद से देखिए इसमें क्या एलिजिबिलिटी फाइव ईयर्स होनी चाहिए पेमेंट कब होता है व्हेन द द कंपनी अपॉन रिटायरमेंट टर्मिनेशन और डेथ टैक्स फ्री अप टू ट्वेंटी लाख सो इसमें बहुत से आपको एमसीक्यू यहीं पे मिल जाएगा आइए शुरू करते हैं एमसीक्यू अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट नाइनटीन सेवेंटी टू द मैगजिम ग्रेचुटी पेबल इज टेन लाख ट्वेंटी लाख फाइव लाख और थ्री पॉइंट फाइव एंड द करेक्ट आंसर इज ट्वेंटी लाख इससे पहले टेन लाख हुआ करता था सेवेंथ पे कमीशन में टेन लाख को बढ़ा करके ट्वेंटी लाख कर दिया गया सो मैगजिम ग्रेचुटी पेएबल अंडर द ग्रेचुटी एक्ट इज़ ट्वेंटी लाख नेक्स्ट क्वेश्चन वट इज द क्वालिफाइंग सर्विस टू क्लेम क्रेचुइटी क्रेचुइटी क्लेम करने के लिए मिनिमम कितनी सर्विस आपको रेंडर करनी चाहिए फिफ्टीन ईयर्स टेन ईयर्स फाइव ईयर्स नो सच प्रिस्क्रिप्शन एंड जस्ट नाउ आई हैव टोल्ड आई हैव गि द इंडिकेशन ऑन द फर्स्ट पेज इट सेल्फ इट्स फाइव ईयर्स सो ग्रेचुटी क्लेम करने के लिए मिनिमम फाइव ईयर सर्विस होनी चाहिए अगर फोर ईयर सर्विस होगी थ्री ईयर सर्विस होगी टू ईयर सर्विस होगी तो ग्रेचुटी नॉर्मली नहीं मिलता है ग्रेचुटी पाने के लिए मिनिमम फाइव ईयर सर्विस होनी चाहिए द एलिजिबिलिटी कंडीशन फॉर अपटेनिंग ग्रेचुटी अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट नाइनटीन इज कंप्लीशन ऑफ टू ईयर कंप्लीशन ऑफ थ्री ईयर्स कंप्लीशन ऑफ फोर इयर्स कंप्लीस ऑफ फाइव ईयर एंड द आंसर इज कंप्लीस ऑफ फाइव ईयर सो दिस इज द अनदर वे ऑफ आस्किंग द क्वेश्चन द मैग्म अमाउंट ऑफ ग्रेचुअटी हैज नाउन टू ट्वेंटी लाख फ्रो टू पॉइंट फाइव लाख टेन लाख फाइव लाख और सेवन पॉइंट फाइव लाख एंड द आंसर इज टेन लाख सो टेन लाख से ट्वेंटी लाख ग्रेचुटी का अमाउंट बढ़ा दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन पेमेंट ऑफ ग्रेचुईटी एक्ट नाइनटीन सेवेंटी टू इज अपलिकेबल टू एवरी शॉप और इस्ट विद इन द मीनिंग ऑफ एनी लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स कहने का मतलब पेमेंट ऑफ ग्रेचुअटी एक्ट कहाँ पर लागू होता है जहाँ पे बीस आदमी काम करते हैं जहाँ पे टेन और मोर परसेंट काम करते हैं जहाँ पे टेन परसेंट काम करते हैं एंड द आंसर इज टेन और मोर परसेंट ये यहाँ पर टाइपिंग एरर हो गया है सो so, आंसर इज टेन और मोर परसेंट जहाँ पर भी दस और दस से ज़्यादा व्यक्ति काम करते हैं वहाँ पर पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एट नाइनटीन सेवेंटी टू अप्लीकेबल होता है फॉर एवरी कम्प्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस और पार्ट दिन एक्सेस ऑफ सिक्स मंथ्स द एम्प्लॉय शैल पे ग्रेचुअटी टू एन एम्प्लॉय एट द रेट ऑफ मतलब पर मंथ के हिसाब से कितना उनको ग्रेचुअटी पे किया जाता है कितने डेज का बेस्ड ऑन द रेट ऑफ वेजेस लास्ट ड्रॉन बाय द एम्प्लॉ कंसर्ड एंड द आंसर इज 15 डेज सो फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर फॉर द एवरी कंप्लीटेड ईयर 15 डेज का ग्रेचुईटी कैलकुलेशन होता है और ईयर जो है सिक्स मंथ के फ्रैक्शन से ज्यादा अगर हो गया तो उसको ईयर में हम काउंट कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इन द केस ऑफ ए मंथली रिलेटेड रेटेड एम्प्लॉ द फिफ्टीन डेज वेजेज शैल बी कैलकुलेटेड बाई डिडिंग द मंथली रेट ऑफ वेजेज लास्ट रन बाई ही सो जो पंद्रह दिन का जो कैलकुलेशन होगा वो जो मंथली वेजेज मिलता है उसको किससे डिवाइड करने से मिलेगा थर्टी डेज से डिवाइड करके फिफ्टीन डेज के डिवाइज करके ट्वेंटी सिक्स डेज का डिवाइड करने से या ट्वेंटी फाइव डेज के डिवाइड करने से और जो लोग पेमेंट ऑफ ग्रेचुअटी एक्ट पढ़े उनको पता है 26 डेज इज द करेक्ट आंसर सो मंथ एक मंथ में आपको अगर 10,000 मिले तो 10,000 में 26 डेज से डिवाइड करना है तो उससे वन डे का निकलेगा और जब वन डे का निकलेगा तो उसको 15 डेज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका उस 15 डेज का ग्रेचुअटी कैलकुलेशन हो जाता है नेक्स्ट इन द केस ऑफ एन एम्प्लॉय एम्प्लॉयड इन ए सीजनल स्टैब्लिशमेंट एंड हु इज़ नॉट सो एम्प्लॉयड थ्रू आउट द ईयर सो सीजनल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है जहाँ पे सालों भर काम नहीं चलते हैं तो वहाँ पर जहाँ पर सालों भर काम चलते हैं वहाँ पर तो हमने देखा पर ईयर 15 डेज उनका कैलकुलेशन होता है सीजनल में कितना कैलकुलेशन होगा 14 डेज 15 डेज 10 डेज और 7 डेज एंड द आंसर इज सेवन डेज सेवन डेज का कैलकुलेशन होता है सीजनल के लिए और बाकी पेरेनियल जो होते हैं नॉर्मल जो होते हैं उनमें फिफ्टीन डेज का कैलकुलेशन होता है नेक्स्ट क्वेश्चन द एम्प्लॉयर शैल अरेंज टू पे द अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी इन विद इन सोन सौ डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डेट इट बिकेम बिकम्स पेएबल सो जिस दिन पेएबल हो जाता है उससे कितने दिन के भीतर एम्प्लॉयर को ग्रेचुईटी पे करनी है थर्टी डेज के भीतर फिफ्टीन डेज के भीतर 60 डेज के भीतर और 75 डेज के भीतर एंड करेक्ट आंसर इज 30 डेज 30 डेज के भीतर ग्रेचुटी पेमेंट करनी है नेक्स्ट क्वेश्चन अपील ऑन द डिसीजन ऑफ कंट्रोलिंग अथॉरिटी शुड बी प्रिफर्ड सो अपील कितने दिन में प्रीफर कर सकते हैं 30 डेज 60 डेज 15 डेज और 75 डेज एंड द करेक्ट आंसर इज 60 डेज 60 डेज के भीतर अपील कर सकते हैं द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग ग्रेचुट्टीज ग्रेचुटी को कैलकुलेट करने का फार्मूला यहाँ पर बता रहे हैं तो सबसे पहले हमने आपको बताया था कि जो भी मंथली सैलरी होगा उसमें 26 से डिवाइड करेंगे जब मंथली सैलरी में 26 से डिवाइड करने के करेंगे तो, तो वन डे तो का निकल जाएगा और जब वन डे का निकल जाएगा तो फिर उसको मल्टीप्लाई कीजिए तो फिफ्टीन का निकल जाएगा और जब फिफ्टीन का निकल जाएगा तो जितने नंबर ऑफ ईयर्स हैं उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये ट्वेंटी फाइव वाला सही नहीं है थर्टी वाला सही नहीं है फिफ्टीन वाला सही नहीं है सो so क्या सही है सी सही है सी इज़ द करेक्ट आंसर ग्रेचुएटी निकालने का फॉर्मूला क्या है मंथली सैलरी डिवाइडेड बाई ट्वेंटी सिक्स इंटू फिफ्टीन इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग स्टेटमेंट सो पूरा लंबा लंबा है इसको पढ़ते जाइए पढ़ते जाइए और दिस एक्ट इज़ नॉट अप्लीकेबल टू पब्लिक चैरिटेबल एंड रिलीजियस ट्रस्ट ऐसा कुछ एक्ट में लिखा नहीं गया है सो नो ग्रेचुटी पे एबल अंडर द एक्ट सेल्फ बी लाइबल टू अटैचमेंट सो अटैचमेंट नहीं हो सकता ग्रेचुअटी का ये सही है थर्टी डेज के भीतर पे करना ये भी सही है दिस एक्ट इज़ नॉट अप्लीकेबल टू पब्लिक चैरिटेबल एंड रिलीजियस ट्रस्ट ये गलत है ये एक्ट सब जगह लागू है जहाँ पर दस और दस से ज़्यादा एम्प्लॉ वर्क करते हैं नेक्स्ट फॉर एवॉडिंग एनी पेमेंट नोइंगली मेक्स एनी फॉल्स स्टेटमेंट और रिप्रेजेंटेशन शाइल बी पनिशेबल विद सो अगर रॉन्ग इंटरप्रिटेशन देते हैं फॉल्स स्टेटमेंट देते हैं चाहे वो सैलरी का स्टेटमेंट हो चाहे और भी स्टेटमेंट हो तो उसके लिए पनिशमेंट क्या है

इनप्रिजमेंट थ्री अप टू थ्री मंथ एंड फाइन अप टू टेन थाउजेंड और बोथ है यहां पर क्वेश्चन दूसरा है फेलर टू कंप्लाई विद एनी प्रोविजन ऑफ द एक्ट और रूल्स सो यहां पर क्या है नन कंप्लायंस हो गया तो नॉन कंप्लायंस का जो है वन ईयर वन ईयर टू ईयर टू ईयर टेन थाउजेंड ट्वेंटी थाउजेंड ट्वेंटी थाउजेंड फिफ्टी थाउजेंड ये ऑप्शन दिया हुआ है एंड करेक्ट आंसर इज वन ईयर इन प्रिजनमेंट टू वन ईयर एंड फाइन अप टू ट्वेंटी थाउजेंट ए और बोथ ठीक है सो so, ये दो अलग अलग क्वेश्चन है पहले वाले में क्या था फॉल्स स्टेटमेंट आप दे रहे हैं फॉल्स स्टेटमेंट के लिए थ्री मंथ टेन थाउजेंड है और नॉन कंप्लायंस अगर कर रहे हैं इस एक्ट का तो उसमें वन ईयर ट्वेंटी थाउजेंड है नेक्स्ट क्वेश्चन विच सेक्शन विद द डिटर्मिनेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ द ग्रेचुअटी ग्रेचुअटी एक्ट में एक दो सेक्शन तो आपको जानने चाहिए और वो सेक्शन है सेक्शन सेवन सेवन में डिटर्मिनेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ ग्रेचुअटी उसका फॉर्मूला दिया हुआ है इसलिए पूरे सेक्शन आपको ध्यान नहीं रखने बट सेक्शन सेवन को ध्यान में रखना है वेन डिट द पेमेंट ऑफ ग्रेचुअटी एक्ट नाइनटीन सेवन के मिनटू फोर्स सो तो ये पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट फूल में कब से आया फर्स्ट अप्रैल 72 से फर्स्ट मार्च 72 से या 72 में पास करके और फर्स्ट में नाइनटीन सेवेंटी में इम्प्लीमेंट हुआ और 16 सितंबर 1972 में हुआ एंड द करेक्ट आंसर इज 16 सितंबर 1972 ये वो एमसीक्यू सी हैं जो पहले किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं हमने पहले के बहुत से क्वेश्चन पेपर का हैं और पहले के क्वेश्चन में ये पी वाई क्यू है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से हमने इसको लिया है हमने फैक्ट चेंज किया है क्योंकि अमेंडमेंट हुए अमेंडमेंट के बाद से फैक्ट चेंज हुए हैं सो हमने फैक्ट चेंज किया है बाकी ये क्वेश्चन जो है ये रिपीटिटिव नेचर के हैं ऐसे ही क्वेश्चन कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में देखने को मिलते हैं सो आप इससे कन्वर्सेंट हो जाइए हम ये जो कुछ भी मटेरियल डाल रहे हैं वो एस जी स्टडीज़ यूट्यूब चैनल पे डाल रहे हैं प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर टू योर नियर एंड डियर्स एंड हमारा दूसरा चैनल जो एस जी के है उस पर ये मटेरियल ऑलरेडी अवेलेबल है इस मटेरियल से रिलेटेड आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन चाहिए उस पर जा कर के आप वहाँ से स्टडी कर सकते हैं ये एस जी स्टडीज़ है और यहाँ पर ये देखिए आप ये ये प्ले लगे हुए हैं यहाँ पर और उसके बाद से ये एस जी के जी टू पॉइंट टू टू है इस पर ये ये सबके सब, सब प्ले लिस्ट हैं यहाँ पर आप कोई भी प्ले लिस्ट में जा कर के उसकी स्टडी कर सकते हैं प्लीज कीप ऑन रिवाइजिंग मिलते हैं अगले क्लास में तब तक के लिए नमस्कार